अच्छा जी के जीती मोदी जीती अरे योगी जीती अरे भैया अखिलेश जीती है। अच्छा मोदी जी ना जीती नहीं भैया उनसे हमसे बड़ा नफरत है। हाँ गरीब हो जाए मोदी जी ठीक लगते हैं कि राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, मोदी दो गला है। अरे का कहला वो का सब इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ नहीं किए हैं अपना राशन दे रहे हैं लुझाए बुझाए हैं साला सब रोजगार इतना बढ़ गया का किए बताइए। अच्छा कितना तक बाहर झर गए लेकिन का लेकिन कैसे नौकरी ना पाई ना इतना दिन से आदमी ना झलब बच्चा तू लइका ना हुआ वैसा ही हमन का लइका कैसे पढ़ौली लिखौली जल आते उन लइका ओतर बैठल बाण का नाम बाजी हम ना पूछ का करबा आज जोगी मोदी मार रो कर दिए आ मोदी दिए ने तो कहे खुनसात हुआ जी मोदी जोगी पे का खुनसात का है बढ़िया ने कहते कि खुनसात है जोगी मोदी पर अफजल मसीहा है मुख्तार मसीहा है और उसके उमर अंसारी मसीहा है और सारे लोग मसीहा हैं। मुख्तार को जहर दे करके मीठा जहर दे करके जेल में मारा गया अगर में कमी है। हाँ लड़का पढ़ पढ़ के बूढ़ भल बाणा घूमत बाणन वही तरह नौकरी न रोजगार। हाँ अब महंगाई इतना बढ़ गई कि हर चीज का कि जैसा ऐसा कखल अरे अंग्रेजों के राज में इतना दिक्कत ना भैल हुई पुल पर टैक्स ऊ पर इनकम टैक्स और वैसे कल यहाँ पर केजरीवाल बोलत रहा कि अंग्रेज जैसा रह के खाए वाली सामान पर इनकम टैक्स ना लगा ना लगे ले कि 5 साल और मौका मिल जाओ 18 साल का नया लड़का भर्ती हुई 4 साल में रिटायर आ जाए बाप अभी नौकरी करत रही बेटा रिटायर आ जाए कि SC ST OBC जो है भीख मांगते हैं आरक्षण का जो 10% आरक्षण मिला है सवर्ण जाति को उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं वो हमको बताइए ना 10% आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है तो भीख नहीं है अफजल माफिया है मुख्तार माफिया है। मैं खुलम खुल्ला बोलता हूँ मुझे चाहे गोली लग जाए चाहे मुझे जान से मार दिया जाए मैं बोलता हूँ है ना 5 किलो राशन तो 5 किलो राशन हमें मत दो मोदी सरकार हमको नहीं चाहिए 5 किलो तुम्हारा एहसान प्लस हमको रोजगार चाहिए। नमस्कार दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ और आप लोग जानते हैं कि सपा पार्टी से सपा पार्टी से जो कि अफजल अंसारी जी को टिकट मिल चुका है और चुनाव भी नज़दीक आ चुका है और भाजपा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय जी को टिकट मिला है और BSP की बात करें तो डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट मिला है और हमें गाँव में आए हुए हैं और क्या माहौल है और क्या पीड़ा है लोगों की यह जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सच सभी तक खंगालने के लिए आ गया है गाँव में। क्या नाम है? नवयुवक हैं आप? आशीष यादव पास में। क्या लगता है किसका माहौल है गाजीपुर में? सपा का। क्यों सपा का माहौल है? समाजवादी पार्टी काम की है, रोजगार भी दी है सत्ता में रहते हुए। इनका जो है कि भारतीय जनता पार्टी का हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, विफल रहा वो। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और महंगाई। युवा परेशान है। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, इस पे क्या कहें? 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहीं पे अगर रोजगार दें तो अगर हम लोगों के पास रोजगार रहेगा तो हम 5 किलो राशन खुद सरकार के फंड में हम खरीद के दे देंगे। 5 किलो राशन की कोई जरूरत नहीं है। किसान है, अगर किसान की डाई अगर 1500 रुपया की दे रहे हैं अगर उसे घटा के अगर 500-700 अगर कर दें तो किसान खेत से उपजा के 5 किलो खुद अब फंड सरकार के फंड में अपने तरफ से दे देगा। महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार में, यानी कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। अच्छा क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव जी राम मंदिर बनवा दिए उस पर कोई नहीं उस पर वोट आप लोग देंगे? मंदिर अपनी जगह की बात है, मंदिर सब भी आता है कोई बात नहीं, मंदिर अपने जगह की बात है। इससे बेरोजगारी से और ये चीज़ से मंदिर से कोई लगाव नहीं है। मंदिर है, मंदिर को भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान को सब लोग मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोजगार की जगह पर मंदिर का एक मुद्दा रख दें, ये बात नहीं है। मंदिर ठीक है, मंदिर अपने जगह पर, रोजगार अपने जगह पर और महंगाई अपने जगह पर। इन लोगों का जो है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि लगातार जो है कि राम मंदिर पर जो है कि भारत पाकिस्तान पर हिंदू मुस्लिम पर जो है कि राजनीति करने का इन लोगों का काम है, हिंदू मुस्लिम बांटने का इन लोगों का काम है, अलग अलग जो है कि ये धर्म को बांटने का इन लोगों का काम है। इसमें जो है कि बिरादरी के नाम पर भी तानाशाही किया जा रहा है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी बात सुनिए, अगर हमारी सुनेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ। अग्निवीर को ले लीजिए उठा करके, अग्निवीर है ना, 4 साल में
लोग नवयुवक इतना तैयारी करते हैं, चार साल की बात है, चार साल में ना उनको पेंशन मिलेगी है, कुछ नहीं मिलेगा, 5 किलो राशन मुद्दा है ना, 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन हमें मत दो मोदी सरकार, हमको नहीं चाहिए 5 किलो तुम्हारा एहसान, प्लस हमको रोजगार चाहिए है। रोजगार की बात आती है तो अच्छा ही बताइए हमको, मोदी सरकार से हमारी शिकवाई है, हम देखिए डिबेट में कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि सभी लोग सम्मानित हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, अखिलेश ने जितना काम किया, मायावती ने काम किया, सारे बहुजनों को तोप करके जो है योगी जी हैं। अच्छा एक बात जान लीजिए, हम बता दें, माफिया है, अफजल माफिया है, मुख्तार माफिया है, मैं खुलम खुल्ला बोलता हूँ, मुझे चाहे गोली लग जाए, चाहे मुझे जान से मार दिया जाए, मैं बोलता हूँ कि जितने बाबू साहब लोग के वंश के हैं है, वो लोग माफिया नहीं हैं, खाली अल्पसंख्यक में माफिया हैं, बताइए ना हमको, अनुसूचित जाति में माफिया हैं, यादव वर्ग में माफिया हैं, पूरे बहुजन समाज में माफिया हैं, है सभी लोगों को ये जेल में डाल रहे हैं, इसका कारण क्या है हमको बताइए ना, इसका कारण ये है कि सभी को मतलब दबा करके अपने राज करें, इनका मुद्दा यही है, हमारा कहना में यही है, कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी ने क्या कहा था आपको मालूम है, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, कहे थे कि नहीं, बाद में भले कुछ जबान फिसल जाती है भाई। ना जबान फिसल जाती है, ऐसे महापुरुष की जैसे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं देश के अंदर है, पूरे देश का उनको बोझा है, पूरे देश का उनके ऊपर लोड है, हैं जब उनकी जबान फिसलती है तो हम तो आम जनमानस है ना भैया है। अच्छा 5 किलो राशन न दे करके हम लोगों का कह रहे हैं ना कि SC ST OBC जो है भीख मांगते हैं आरक्षण का, जो 10% आरक्षण मिला है सवर्ण जाति को, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं वो हमको बताइए ना, 10% आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है, तो भीख नहीं है, हम लोग भीख मांग रहे हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक है। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप ये जान लीजिए, एक जमाना आया है, कुछ दिन के बाद बदलाव तो होगा ही, ये लोग कुछ भी कर लें, EBM से बेईमानी, चुनाव आयोग डाटा पेश कर रहा है, हैं डाटा 24 घंटा के अंदर आता है कि नहीं आता है, आप बताओ, आप पत्रकार हैं, आप ईमानदारी से बोलिएगा, न मोदी की न योगी की और न बहुजन समाज की और न सपा की, मैं बता रहा हूँ, और वो 10 दिन बाद डेटा प्रेस कर रहा है, 1,07,00,000 वो कहाँ गया, जब डाटा पेश करेगा 1,07,00,000 तो पहले से इनका मतलब 400 का नारा है, 400 का नारा कह रहे हैं ना, 400 पार ना, तो किस लिए कर रहे हैं ये चुनाव आयोग, देखा सबसे बड़ी बात, इनका बाप कौन है, मोदी, मोदी चुनाव आयोग का बाप मोदी है, हाँ मोदी है, CBI है, ED है, इलेक्शन कमीशन है, और पांचवा जो है EBM है। अरे भाई तो निष्पक्ष रहते हैं लोग, जो कि आप बाप रहते हैं भैया, कोई एक बात बता दो ना निष्पक्ष पर, अगर वो उतरे निष्पक्षता पर तो कोई बात, एक बात हमको बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी बंद कर देंगे हमारा चैनल, सुनिए आपका चैनल बंद कर दें, लेकिन मोदी हमारी जुबान को नहीं बंद कर पाएंगे, एक बात जान लीजिए, मैं अनुसूचित जात से बिलोंग करता हूँ, और देखिए अफजाल को जो है सारे लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC अनुसूचित सारे लोग बिलोंग करते हैं, अफजाल अंसारी को, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी मसीहा है, और उसके बेटे मसीहा रहेंगे और हैं भी, मैं कुछ देन हैं दिए हैं लोग, अरे देखिए मैं घूस पे नहीं चलता हूँ, एक बात जान लीजिए आप, मैं घूस पे नहीं चलता हूँ, प्लस एग्जाम्पल उठा कर देख लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि एक बाबू साहब के दरवाजे पर हम जाएंगे, वो खाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, अरे फलन माँ आती है भाषा, इस भाषा को हम भूले नहीं हैं, करे आ 10 रुपया तो के देते, साला तू कहाँ भटक गई ले रे,
500 बीघा कष्टकारों है ना, सारे 500 बीघा 1000 बीघा कष्टकार हैं, क्या अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी का हक बराबर नहीं था धरती पे? उन लोगों ने अपनी माँ के पेट से जमीन लाया था क्या? मैं बोल रहा हूँ इस बात को, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों का सबका जो है धरती पर हक बराबर था, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक, तो फिर उन लोगों के पास जमीन इतनी कहाँ से आई? पारसनाथ राय जी, मैं बोला वो सम्मानित व्यक्ति हैं, एक शिक्षक हैं, उन्होंने कहा था ना कि मैं नंद वंश का क्या बोले थे, ना चारा कैसे से हूँ, नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता, बोले थे ना, मैं कह रहा हूँ उनको पारस जाई को, मैं हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है, मैं अनुसूचित जात से बिलोंग करता हूँ, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप आरएसएस के कार्यकर्ता थे और हैं भी, मैं कह रहा हूँ कि इस जुबान को कहना चाहिए था उनको, मैं बोल रहा हूँ कभी कभी फिसल जाता है जुबान भाई। अच्छा ये बताइए अफजाल की जबान क्यों नहीं फिसलती है? मुख्तार को जहर दे करके, मीठा जहर दे करके जेल में मारा गया, अगर कोई मर्द था तो सामने से क्यों नहीं वार किया? मैं कह रहा हूँ, मैं अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ, मैं जात का चमार हूँ, अनुसूचित जात को मैं चमार हूँ, अगर जिनके अंदर दम थी मीठा जहर दे करके मारे, सामने से क्यों नहीं मारे? सारे लोग पीछे से मारे ना। मैं जो देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कल को मैं उजड़ जाऊँ, मेरी बगिया उजड़ जाए, मैं 132 लैंडलाइन पर विलोम करता हूँ, मैं अपना घर बना कर रह रहा हूँ, मुझे ये भी गम नहीं है, मुझे भी गम नहीं है कि मैं उजड़ जाऊँ, या चाहे मेरा पूरा परिवार जो है फुटपाथ पे आ जाए, उससे हमको गम नहीं है। लेकिन सपा को बांध के पगड़िया ओढ़ देंगे? अरे भैया क्यों नहीं देंगे, अफजाल मसीहा है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 बार अफजाल से मैं मिला हूँ, मुख्तार से मिला हूँ, मेरी समस्याएं हल हुई है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अफजाल मसीहा है, मुख्तार मसीहा है, और उसके उमर अंसारी मसीहा हैं, और सारे लोग मसीहा हैं इस परिवार से। देखिए कुल मिला करके इस बार जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ, जीतेंगे तो जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ देखिए, अनुसूचित जात का भी वोट चढ़ेगा, पिछड़ी जात का भी वोट चढ़ेगा, अल्पसंख्यक जात का भी वोट चढ़ेगा। ये बताओ जो है 2019 के चुनाव से ज्यादा वोट से अफजाल जीतेंगे, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। लीजिए भैया जो इतना मशगूल है, ये क्या क्या नाम है आपका? फौजदार यादव। फौजी में नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, नाम फौजदार यादव। अच्छा नमो फौजी। क्या लगता है किसका इस बार जो है कि गाजीपुर में माहौल चल रहा है? इंडिया गठबंधन का लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, जितने यादवों की संख्या है यहाँ उतनी वोट से मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी जीतेंगे। अरे राशन पाते हैं कि नहीं यहाँ? राशन पाते तो इसका क्या मतलब, अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं, वो तो हमारा ही राशन हमको दे रहे हैं। आप ही का राशन दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, वो हम इन लोगों का राशन है, हम इन लोगों को मिलता है, किसान हम लोग हैं, किसान का जो है वो उपजाया हुआ अन्न है वही हम लोग को देते हैं। चलिए भैया और कुछ लोग महिलाएं हैं, इनसे जाना है। का नाम बाजी? हमारा नाम पूछे का कर बा, आज योगी मोदी मात्र कर दिए, आप मोदी दिए तो कहाँ खुनसात हुआ जी मोदी जोगी पे? का खुनसात का है, बढ़िया कहते हैं कि खुनसात है योगी मोदी पर, का वो क्या बोला वो पे तो मोदी के ऑटोवा दिया है कि ना? अरे मतलब चाहे जेके दिया, मोदी के दिया, योगी के दिया, अखिलेश के दिया, जेके मन करी वो के दिया ऑटोवा। आज के राशन पाओ कि ना? राशन तो मार मिलला ला कुल का राशन मिलत था, कुछ तो ना मिलत था, 3 किलो 4 किलो से का हो वाला। अच्छा राशन मिलेगा कि नहीं? के आपे के नहीं हम लेबा ना करे काहे? अरे कुछ दिक्कत है सब पड़ गई ना लेने। केकर माहौल चला था चाचा? का के यहाँ अफजाल का माहौल चला था, सपा पार्टी का चला था माहौल। हाँ जोगी मोदी रोजी रोजगार
एकदम खत्म कर दे, महंगाई चरम सीमा पर हो गई, ऐसे जनता उनके ना चाहती, साफ बात बता। यानी मोदी जोगी जो है ना कि रोजगार खत्म कर देना, महंगाई बढ़ा देना, ऐसे जो है जनता ना चाहती। नहीं नहीं, ये उन लोग में कमी है। हाँ, लड़का पढ़ पढ़ के बूढ़ भल बाड़न घूमत बाड़न, वही तरह नौकरी ना रोजगार। हाँ, अब महंगाई इतना बढ़ गई कि हर चीज का जैसा कखल, अरे अंग्रेजों के राज में इतना दिक्कत ना भैल हो, पुल पर टैक्स, ऊ पर इनकम टैक्स। अब ऐसे कलिया पर केजरीवाल बोलत रह कि अंग्रेज जैसा रह कि खाए वाली सामान पर इनकम टैक्स ना लगा, ना लगौले रह। लेकिन ये लोग एकदम, ये लोग तो संविधान खत्म कर चाहत हूँ। हाँ, कहलक हाँ का ना हुआ, अमित शाह दिन बोलत हूँ टी वी में सुनत हैं कि हमारी सरकार जया हो जाएंगे तो यह संविधान आरक्षण कुल खत्म कर देंगे। बता ये तो बात बा भैया, आरक्षण खत्म कर दिए बोल रहे। हाँ, आरक्षण खत्म कर दिए, संविधान खत्म कर दिए, वोट कबूना पर हम आना रह। हाँ, तो मिल के जो ना सबके खत्म कर दे, मतलब इंडिया का गठबंधन के ना हो ना, ना ही गठबंधन तो रहे करी ना। इंडिया गठबंधन आई, एनडीए ना आई। हाँ, एनडीए ना आई, गठबंधन तो रहे करी। अरे का कैल वो सब इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ नहीं किए हैं, अपना राशन दे रहे लुझाए बुझाए हैं साला, सब रोजगार इतना बढ़ गया। क्या किए बताइए, कितना तक पढ़े? अरे बीए किए है, बीए करके बेरोजगार। और क्या, ये सब लोग रोजगार है, ये सब लड़के रोजगार है, अग्रिपीर देखिए, नवरत छोटा नवरत्न मिल गया। क्या क्या नाम है? प्रिंस यादव। अच्छा, कितना उम्र है? 12 साल। 12 साल, अभी तो वोट देने लायक नहीं हो। तो वोट देने लायक नहीं है तो प्रचार तो कर सकते हैं ना। प्रचार? अरे देखिए भैया जो है कि पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ तुमको गाइडलाइन कि जो 18 वर्ष से नीचे के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं राजनीति पे, ठीक है? अच्छा अच्छा, मोदी जी ठीक लगते हैं कि राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, मोदी दोगला है। क्या लगा थे पर के जीती? साइकिल जीती। साइकिल जीती का है? 5 किलो राशन मिलत बा, फिर दवाई करवाई 5 लाख का फ्री में। का दवाई कर भैया, हमन खाता लड़का पढ़ पढ़ के नी पढ़ भल बाना। का चाची के जीती? मोदी जीती, अरे जोगी जीती, अरे भैया अखिलेश जीती है। अच्छा, मोदी जी ना जीती? नहीं भैया, उनसे हमसे बड़ा नफरत है। तनी गरीब हो जाओ, तनी गरीब हो जाओ कि 5 किलो राशन पर फंसौले हैं, हमके वोट दे मरो जरो। हाँ, जोगी मोदी का लैकन के कुछ लैकन के बाहर झर गल पड़त पड़त आ कुछ लाख कैला ना, तो कैसे उनके वोट देवल जा बतावा तू? यानी कि बाहर झर गल लैकन के, लेकिन कैसे नौकरी ना पैना इतना दिन से आदमी ना झलब बच्चा तू लैकन हुआ वैसे ही हमन का लैका कैसे पढ़ौली लिखौली जा आते उन लैका ओतर बैठल बाना। जो न आवत बा परीक्षा वो गंवा देत है। देखिए माँ तो माँ होती है सबकी, माँ तो किसी की जो है कि माँ जो है कि किसी की लग सकती है, और माता जी कह रहे हैं कि देखा भैया तो रहो तो बरवा झरगा, सही बात है। का नाम है जी? परवा। केकर विचार इसमें के विचार बनैले हो जो लेस के देवल जाए? साइकिल लेस के का है? कहाँ देवल जाए? लड़का पढ़ पढ़ के घूमत बाड़ा ऐ तरह का, तो कैसे चली? आए गरीबी में पढ़ावत बाड़ी जा मर मर के मन का। तो फ्री में गैस दे ना तो लोन के बना, हमके ना दे ले वहाँ फ्री में गैस। हम गैस ना ले ले आई, तो ना दे हम कहो भाई गैस फ्री में दे दिए। गैस कहाँ 400 का भराया जा रहा था, अब 1200 रुपया हो गया है। गैस फ्री देने से क्या मतलब है? 900 हो गया। अरे अब 900 हुआ है, फिर चुनाव बीतने दीजिए 1200 हो जाएगा भैया। वोटवा लेवे के तब ना 900 हो गया, मन के तो ना बढ़ जाए ना रसने मिलत बा ना तब छाई करे आगे बढ़बे करे ना करी करे आगे। चाची का कहती? कहत है कि बढ़बे ना करी, वोटवा खत्म हो जी चुनावा तो चुनावा खत्म है। हां मशीनिया है तो जितने करिया मशीनिया से उनका ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है,
आ ईवीएम यही से जीते ना नहीं तो पक्का एक आदमी मोटी के वोट ना दे पक्का बता दे थे तो के हाँ एक आदमी वोट ना दे हर चलती है मोदी हर कहा यार हमान के हमान के कुछ ना चलती है ना सोशल मीडिया उठा के देखा ना यार अंग्रेजों ना रहा अंग्रेजों ना सरकार इस सरकार जिंदगी में ना रहा कांग्रेस सरकार है बजट बनी सरकार बनी अग्निवीर योजना हटी किसानन को लोन माफ हुई ठीक 30 लाख रोजगार मिली ठीक अग्निवीर सबसे बढ़िया मुद्दा 75 साल का अपने उम्र में प्रधानमंत्री जी होके एक बार और मौका खोजत हूँ कि 5 साल और मौका मिल जाओ 18 साल का नया लड़का भर्ती हुई 4 साल में रिटायर आ जाए बाप अभी नौकरी करत रही बेटा रिटायर आ जाए ठीक उ सरकार योजना लिया आर्मी के खत्म कर के योजना सेना के कमजोर बनाओ का ठीक ये सबसे बढ़िया मुद्दा इंडिया गठबंधन का सरकार बनी तो जो ना कि आर्मी के फिर वही तरह सेना के वही तरह फिर वही 30 लाख रोजगार में हाँ फिर दौड़ धूप छूट गई लिया जब से अग्निवीर योजना लगल हमन खूब दौड़ा वाला जब से अग्निवीर योजना लगल हमन दौड़ छोड़ दे जा आज ग्राउंड पे एको लड़का ना लौकत हुआ जौन दिन इंडिया गठबंधन का सरकार बनल फिर ग्राउंड वही तरह चली आ फिर सेना में भर्ती हुई भैया नून रोटी खा लेंगे लेकिन जो है कि सूखा जिंदगी नहीं बिताएंगे इंडिया गठबंधन को लाएंगे सबसे जिताएंगे नमक रोटी खाएंगे अफजल को जिताएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पेंशन बहाली होगी ठीक ये लोगों की जो सांसद विधायक हैं इन लोगों का जितने बार अपने बनते हैं इनका पेंशन बनता है जो ये जनता चुन के भेजती है आज जो अपने से मेहनत करके नौकरी पाता है एक बार उसको पेंशन से लोग हटा दे रहे हैं पेंशन नहीं दे रहे हैं आई लोगों के लिए इन लोगों के लिए पेंशन कौन जरूरी है तो ये लोग अभी विधायक सांसद बनेंगे तो इनके लिए गाड़ी मिलेगी सरकारी बंगला मिलेगा मोबाइल हर चीज इन लोगों की सुविधा मिल रही है हेलीकॉप्टर से विमान से घूम रहे हैं इन लोगों को छूट है आ एक जो आम आदमी है उसे सताया जा रहा है परेशान किया जा रहा है जो यानी आप सभी लोग कुल मिला के एक 100 बात के एक बात की इंडिया गठबंधन के जिताओ इंडिया गठबंधन की बात है जिताएंगे राहुल गांधी जिंदाबाद साथियों जो है कि इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में थे आप लोगों को दिखा रहे थे और सच जो है कि खंगाल कर आप लोगों को जमीनी हकीकत को दिखा रहे थे कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बहुत बहुत धन्यवाद।